बात करते हैं फेस्टिवल सीजन की। हमारे नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं और नवरात्रों के बाद आपका करवा चौथ का व्रत, होली अष्टमी का व्रत और उसके बाद दिवाली। ये फेस्टिवल सीजन मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे फेस्टिवल में तैयार होना, मिठाइयाँ खाना बड़ा अच्छा लगता है और फेस्टिवल सीजन में ऑटोमेटिक एक पॉजिटिविटी आ जाती है, आपके नेचर में भी आ जाती है, आपके आसपास चीज़ों में आप बड़ा खुश खुश फील करते हैं। अगर आप अपनी डाइट को ख़राब नहीं करना चाहते, आप अपनी वेट लॉस जर्नी को नहीं ब्रेक करना चाहते, अगर आपको लगता है कि नवरात्रों में हम वही फ्राइड फूड खाते हैं जिससे हमारा वेट गेन होता है, तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नवरात्रि डाइट प्लान, जिसको फॉलो करेंगे तो आप इंजॉय भी कीजिए फेस्टिवल को, उसके साथ साथ आप अपना वेट भी लूज कीजिए। डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने ये डाइट प्लान जो हमारे घर में रिचुअल्स फॉलो होते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया है। अगर आपके घर में कुछ चीज़ें ऐड नहीं होती या आप लोग उन चीज़ों को नहीं ऐड करते अपनी डाइट में उस टाइम पे नवरात्रों में, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं जो चीज़ें आप ऐड करते हैं। लेकिन मैं जो चीज़ें खाती हूँ या मैं जो प्रेफर करती हूँ नवरात्रि में, वो मैंने इसमें ऐड किया है। तो शुरू करते हैं हमारा डाइट प्लान। सबसे पहले मॉर्निंग में हम अपना वेट चेक करेंगे। नवरात्रि है तो ऐसा नहीं है कि आप वेट चेक नहीं करेंगे, आप सबसे पहले उठते ही अपना वेट चेक करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग ड्रिंक में मैं आपको दे रही हूँ 2 गिलास गर्म पानी, तो आप 2 गिलास गर्म पानी पीजिए सुबह उठ के। और अगर आपको नींबू सूट करता है तो आप उसमें 1/2 लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। 2 गिलास गर्म पानी आप मॉर्निंग में लेंगे। उसके बाद आप अपने ब्रेकफास्ट टाइमिंग पे, ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं, बहुत सारे लोग हैवी ब्रेकफास्ट करना प्रेफर नहीं करते, लेकिन मैं सजेशन दूंगी अगर आप ब्रेकफास्ट में ठीक से खाएंगे तो आपको लंच और डिनर तक कम भूख लगेगी। लेकिन आप उसी के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए जैसे आप करते आए हैं, जैसे आपके पूजा आपके घरों में होती है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं। आप डिनर को लंच में कर सकते हैं और लंच को डिनर में चेंज कर सकते हैं। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, आप उसके टाइमिंग, बट मैं सजेस्ट करूँगी जो हैवी फूड है उसको आप 4 बजे से पहले पहले ले लें। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं स्वीट पोटैटो सैलेड, जिसका शक्करकंदी का सलाद जो हम खा सकते हैं व्रत में, और उसको कैसे बनाना है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए किचन में। स्वीट पोटैटो सैलेड बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून देसी घी और इसमें मैं ऐड करूँगी अपनी चॉप की हुई स्वीट पोटैटो। आप उसका पील उतार लीजिए और उसको छोटे छोटे पीसेस में ऐसे लंबे टुकड़ों में आप उसे काट लीजिए। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे यहाँ पे ऑयल के साथ, घी के साथ। अब इसे ढक के रख देंगे हम स्टीम होने के लिए 5 मिनट तक, 5 से 7 मिनट में ये कुक हो जाएंगे अच्छे से। 5 से 7 मिनट बाद इसे देखेंगे, देखो इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया और ये कुक भी हो गई है अच्छे से। अब इसे हम अपने बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर मैंने ऐड किया है सेंधा नमक, अपने स्वाद अनुसार ऐड कीजिए। ब्लैक पेपर ऐड किया है मैंने इसमें और मैं इसमें ऐड करूँगी टेस्ट के लिए लेमन जूस। शक्करकंदी के साथ नींबू का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। नींबू आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने पोमग्रेनेट सीड्स को ऐड किया है, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट होगा इसका, बड़ा अच्छा लगता है। ऐड कीजिए, खा के देखिए, बड़ा स्वाद लगेगा आपको। ये है मेरा शक्करकंदी का सलाद। ये था हमारा शक्करकंदी का सलाद। इसके साथ आप ग्रीन टी को ऐड कीजिए अपने ब्रेकफास्ट में। आप इस सैलेड के साथ 1 बाउल इसका ले सकते हैं और इसके साथ आप ग्रीन टी को 1 कप ग्रीन टी लीजिए। अगर आप शक्करकंदी का सैलेड प्रेफर नहीं करते और आप हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं कुट्टू का चीला।
जैसा हमारे नॉर्मल बेसन का चीला बनता है वैसे ही हम कुट्टू का चीला बनाएंगे। उसमें जो भी आप स्पाइसेस ऐड करना चाहें, ग्रीन चिली या ब्लैक पेपर और हमारा जो सेंधा नमक होता है उसे ऐड करके आप उसमें एक बॉयल आलू को भी ऐड कर सकते हैं फिलिंग के लिए। उसके अंदर आप एक बॉयल्ड आलू को ऐड कीजिए और फिर उसका चिल्ला बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके साथ आप दही ले सकते हैं या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं उसके साथ। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट का ऑप्शन, बहुत हेल्दी है और आपको फिल करके भी रखेगा और एनर्जी भी देगा ताकि आप एक्टिव रहें। व्रत का मतलब ये नहीं है कि व्रत है तो आप कोई काम ना करें, आप एक्टिव रहिए, आप अपने घर के जो नॉर्मल काम करते हैं उन्हें करिए और मील स्किप नहीं करना है आपको कोई भी, लेकिन आपको छोटे छोटे मील्स लेने हैं। कोई भी मील स्किप मत कीजिए, हैवी मील ना लीजिए, छोटे मील लीजिए, क्योंकि छोटे मील से हमारा डाइजेशन भी अच्छा होगा और हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट होगी इस टाइम पे। लंच में जो लोग बेली फैट को लूज़ करना चाहते हैं, कार्ब तो आप कट कर ही रहे हैं क्योंकि हम फ्रूट्स और उस टाइप पर हैं, तो अगर बेली फैट भी लूज़ होगा अगर आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो। अगर आपको भूख है, आपने मॉर्निंग में बेसन चिल्ला या सॉरी कुट्टू चिल्ला नहीं लिया, तो आप लंच के टाइमिंग पे अपने कुट्टू चिल्ला को ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं लंच में एक बाउल लेती हूँ दही का, उसके अंदर मैं एक टेबल स्पून ऐड करती हूँ हनी और उसके अंदर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को ऐड करती हूँ। 1 टेबल स्पून मैं उसके अंदर चिया सीड्स ऐड करती हूँ, 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड। ये बड़ा स्वीट सा टेस्ट देता है और चिया सीड और फ्लैक्स सीड हमारी एनर्जी बहुत देते हैं हमें, उनके अंदर ओमेगा 3 होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है। कार्ब आप नहीं ले रहे हैं और एनर्जी आपको पूरी मिल रही है, तो आप इस ऑप्शन को ऐड कीजिए अपने लंच में। काफ़ी फिलिंग है, आपको फिल करके भी रखेगा और आप इसे अच्छा मीठा टेस्ट, थोड़ा सा आपको जिनको स्वीट टेस्ट पसंद है वो इसको ऐड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मॉर्निंग में अगर चिल्ला नहीं लिया तो वो अपने लंच में अगर ये ऑप्शन नहीं प्रेफर करते तो वो आप अपना कुट्टू का चिल्ला ले सकते हैं दही के साथ। बात करते हैं इवनिंग ड्रिंक की या इवनिंग स्नैक टाइम की। जो लोग चाय और कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकते वो इस टाइम पर अपनी चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। चाय या कॉफ़ी के साथ आप ले सकते हैं रोस्टेड मखाना, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप बाहर की कोई भी नमकीन, कोई भी पैक चिप्स जो नवरात्रों के नाम पे मिलते हैं उन्हें ऐड नहीं करेंगे अपनी डाइट में, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है और बहुत ज़्यादा शुगर होती है जो आपका वेट कम करने के बजाय वेट पुट ऑन कर देते हैं। तो हम अपने घर में अपनी डाइट नमकीन बनाएंगे, हम मखाने बनाएंगे, तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं किचन में और बनाते हैं हमारे मखाने। रोस्टेड मखाना बनाने के लिए हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसके अंदर मैंने एक बाउल अपना मखाने को ऐड किया है। इसे हम रोस्ट करेंगे जब तक ये थोड़े से करारे नहीं हो जाते। अच्छे से रोस्ट कीजिए इन्हें। अब हम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने पीनट्स डाली हैं, इनको रोस्ट करेंगे अच्छे से। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर को ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। अगर आप खाते हैं नवरात्रों में तो आप ऐड कर सकते हैं। रेड चिल्ली पाउडर भी ऑप्शनल है, उसकी जगह पर आप ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर ऐड किया है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पीनट्स पे मसाले की कोटिंग अच्छे से हो जाए। इसमें सेंधा नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपने रोस्ट किए हुए मखाने को ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट तक और भूनेंगे थोड़ा सा। और ये हमारी मखाना रोस्ट पीनट्स, जो आपकी नमकीन है वो तैयार है, जिसको आप इवनिंग टाइम पर ले सकते हैं। एनर्जी बार बनाने के लिए नवरात्रों के लिए मैंने लिया है अमेरथन, जिसको बोलते हैं चोलाई, उसको पफ, वो आप मार्केट में पफ भी मिलती है, आप उसे ऐसे पफ भी कर सकते हैं कढ़ाई में। 1 बाउल मैंने अमेरथन लिया है, 1 बाउल गुड़ का लिया है और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं।
कढ़ाई में मैंने एक चम्मच देसी घी डाला है, उसमें मैं अपने गुड़ को डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मेल्ट करूँगी। आपको सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है, एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। आपको गुड़ को मेल्ट करना है जब तक वो अच्छे से मेल्ट नहीं होता। जो एमरथिन होती है, राजगिरी होती है, उसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। किनुआ से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है एमरथिन के अंदर। और मैं सजेस्ट करूँगी स्पेशली फीमेल्स को कि वो अपने डाइट में इसे, वैसे भी आप जनरली ऐड कर सकते हैं, फास्टिंग में तो आप इसे ऐड कर ही सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, बहुत ही रिच सोर्स है ये प्रोटीन का, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। जो एमरथिन है वो पफ्ड भी मिलता है मार्केट में, और स्टार्टिंग में मैंने प्रोसेस दिखाया था उसको कैसे पफ करते हैं। अब हमने पफ्ड एमरथिन को इस मेल्टेड गुड़ में ऐड कर दिया, ड्राई फ्रूट्स को ऐड किया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मिक्सचर गरम। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे एक ट्रे में निकाल रही हूँ जिस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। इसको अच्छे से सेट करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए 45 मिनट्स के लिए एटलीस्ट इसको फ्रिज में रखेंगे। 45 मिनट्स के बाद ये जम गया है। अब हम इसे बार्स में कट कर लेंगे, छोटे छोटे बार्स में। आप एक बार ले सकते हैं इवनिंग टाइम पे, स्नैक के टाइम पे। अगर आप मखाना नहीं लेना चाहते तो आप एक बार इसका ले सकते हैं, मीठे को ले सकते हैं आप। ये है हमारी राजगिरी की चिक्की या एमरथिन बार या एनर्जी बार। ये थी हमारी मखाना रेसिपी। तो आप मखाने के साथ अपनी चाय और कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं इवनिंग टाइम पर। और अगर आप मखाने नहीं लेना चाहते तो आप एक बाउल ले सकते हैं फ्रूट का, फ्रूट के साथ। उसके बाद अगर आप चाय कॉफ़ी को भी स्किप कर सकते हैं तो एक कप ग्रीन टी का ऐड कीजिए। तो आप फ्रूट्स प्लस ग्रीन टी ले सकते हैं। और अगर आपको भूख है थोड़ी सी तो आप मखाने के साथ अपनी चाय और कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं इवनिंग टाइम पे। डिनर की, और डिनर में हम ऐड करेंगे पनीर ग्रेवी को, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी उसे देखते हैं कैसे बनाते हैं, तो चलिए किचन में शुरू करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून देसी घी, और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून जीरा। जीरा हमारा रोस्ट हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे अपनी प्यूरी को। इसमें मैं ऐड करूंगी इसके अलावा 1/2 टेबलस्पून जिंजर, ब्लैक पेपर ऐड किया है मैंने थोड़ा सा, सेंधा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग। और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे थोड़ी देर, ताकि जो हमारी टमाटो प्यूरी है वो अच्छे से पक जाए और उसमें मसाले अच्छे से पक जाए। अब मैं इसमें अपने पनीर क्यूब्स को ऐड करूंगी। मैंने अपने पनीर को थोड़े से बड़े पीसेस में कट किया है और इसे ऐड करेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो प्यूरी की कोटिंग है वो बहुत अच्छे से पनीर के साथ भी आ जाए। और इसके ऊपर आप, मैं गार्निश करने के लिए डाल रही हूँ हरे धनिए की पत्ती और थोड़ी सी ग्रीन चिली। ग्रीन चिली ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये फिलिंग भी है, आपको भूख भी नहीं लगने देगा और अच्छा है। ये है मेरा पनीर ग्रेवी, आप इसे कुट्टू की रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये थी मेरी पनीर ग्रेवी की रेसिपी। और डिनर की टाइमिंग पे हम इस सब्जी के साथ, इस ग्रेवी के साथ मैं लेती हूँ कुट्टू की रोटी। मैं एक चपाती लेती हूँ कुट्टू के आटे की। अगर आपने पूरे दिन में कुट्टू को अपने डाइट में ऐड नहीं किया है तो आप इस टाइम पे सब्जी के साथ अपनी रोटी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ आप कर्ड ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा डाइट प्लान नवरात्रि के लिए। डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ साथ आपको कुछ टिप्स को ध्यान में रखना है। फर्स्ट कि आपको जो आपका वाटर इनटेक है उसको प्रॉपर रखना है। जो आपका पानी का इनटेक है वो 2.5 लीटर से 3 लीटर के बीच में होना चाहिए। तो आप पानी प्रॉपर पियेंगे अपनी डाइट के साथ। सेकेंड थिंग, जो भी आप हैवी मील, जिसमें आप कुट्टू के आटे का चिल्ला या फिर जो भी चीज़ें आप ऐड कर रहे हो, उसकी टाइमिंग आपकी 4 o'clock से लेके 4:30 के बीच में हो। मैं अपने हैवी मील को 4:30 के बाद नहीं लेती हूँ। तो आप भी अपने हैवी मील की टाइमिंग को 4:30 के बाद ना लें, आप उसे 4:30 से पहले ही प्रेफर कीजिए।
थर्ड थिंग कि आप अपनी डाइट में सिंघाड़े के आटे और साबुदाने को ऐड ना करें, वो आपको वेट लॉस में हेल्प नहीं करेगा। आप सामक को ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, अगर आप करना चाहें जो सामक के पुलाव बनाते हैं लोग, आप उसे ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, लेकिन सिंघाड़े के आटे को और साबुदाने को आप अवॉइड कीजिए। 4:30 अगर आपको अपना मील लेने के बाद भूख लगती है या आप ऐसा फील कर रहे हैं, मैं उसके बाद आलमंड मिल्क को प्रेफर करती हूँ। मैं एक ग्लास आलमंड मिल्क लेती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप आलमंड मिल्क को लेना चाहते हैं, आपको भूख लगी है, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते, ये बिल्कुल कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है कि अगर आपको भूख है तो आप आलमंड मिल्क को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कीजिए। ये प्रॉपर पूरा आपका नवरात्रि डाइट प्लान है जिसमें आप इजीली 4 to 5 kg लूज कर लेंगे 9 days में। अच्छे से फॉलो कीजिए, नवरात्रों को अच्छे से एंजॉय कीजिए, फेस्टिवल सीजन में खुश रहिए, पॉजिटिव वाइब्स लाइए, अपने आसपास के लोगों के साथ भी पॉजिटिव रहिए और मोटिवेट होइए, वेट को कम कीजिए, अपनी वेट लॉस जर्नी को ब्रेक मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा। Stay tuned with Salt and Sugar, stay happy, stay healthy with me. और मैं माँ दुर्गा से प्रे करूंगी कि वो सबको खुशियाँ दें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू एवरीवन।